ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सोहागी पुलिस ने वाहक चेकिंग के दौरान हीरोइन जब्त करने में एक सफलता पाई है। एक नाबालिग बालक सहित तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी की सीमा से लगे रीवा की ओर जाने वाली मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन लोग को पुलिस ने पकड़ा है। जांच के दौरान तीनों से 15 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। सोहागी पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पकड़े गए तीन लोगों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है, सभी उत्तर प्रदेश के निवासी है। हमें सूचना मिली कि प्रयागराज की तरफ से कोई मादक पदार्थ लेकर के आ रहा है और लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमने अभी अभियान चलाकर वाहन चेकिंग के भी अभियान हमने चलाए थे। जैसे ही सूचना मिली तो हमने चाकघाट पुलिस और सोहागी पुलिस को अलर्ट किया और तो एक मोटरसाइकिल में तीन युवक जो कि प्रयागराज से रीवा की ओर जा रहे थे, वो जैसे ही चेकिंग के दौरान वो इधर उधर करने लगे तो उनको पकड़ कर चेक किया गया। तो उनके पास से मादक पदार्थ की कुछ पुड़िया और इत्यादि सामग्री मिली जो उन्होंने फेंक दी। फिर उसको उठा करके चेक किया गया और ये पाया गया कि वो कोई ऐसा मादक पदार्थ है, कि वो मादक पदार्थ हेरोइन है और प्रयागराज से रीवा की ओर जा रहा था। इस घटनाक्रम में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया और उनसे कुछ नकदी लगभग 1900 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब्त किए गए, जिसका कुल रुपये लगभग 1,38,900 है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।